हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इन चैप्टर्स वेदर क्लाइमेट्स एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट्स वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक माइग्रेशन। ओके, सो बिफोर माइग्रेशन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एडेप्टेशंस इन पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। ओके, तो हमने देखा है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीचर्स टू सर्वाइव देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, बट देर आर फ्यू बर्ड्स हु डजंट हैव द स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स बाय विच दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड रीजन। ओके, दैट्स वाई दे माइग्रेट टू सर्वाइव देमसेल्व्स। ओके, सो माइग्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ बर्ड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर्स फॉर टू सर्वाइव देमसेल्व्स इज नॉन एज माइग्रेशन। ओके, तो माइग्रेशन वो होता है जिसमें कि बर्ड्स जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, अपने आप को पलायन कर जाते हैं अपने आप को, ठीक है, ताकि अपने आप को वो सर्वाइव कर सके। ओके, तो जनरली द बर्ड्स मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्डर रीजन्स टू हॉटर रीजन। ओके, एक्सट्रीम कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन के अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ठीक है, अपने आप को माइग्रेट करते हैं ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। ओके, सो व्हाट वुड बी द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, अब ये माइग्रेशन करते क्यों है। ओके, तो दे माइग्रेट देमसेल्व्स टू सर्वाइव देयर लाइफ एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग। ओके, तो दो ही रीजन है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, एक तो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग मीन्स व्हाट, ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन, हैचिंग एग्स एटसेट्रा, एंड टू सर्वाइव, टू सर्वाइव मतलब अपने आप को जीवित रखने का प्रोसेस है, ठीक है। सर्वाइव मीन्स व्हाट, सर्वाइव मीन्स टू गेटिंग फूड भी हो जाएगा, टू गेटिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी फीचर्स। ओके, तो ये सब आ जाएगा सर्वाइवल में। ओके, सो द बर्ड्स सर्वाइव माइग्रेट देमसेल्व्स फॉर सर्वाइवल्स एंड ब्रीडिंग। ओके, so the next question is how migratory birds travels to the same places every years। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि birds जो है permanent कहीं से migrate करके आते हैं, permanent वहाँ पे stay कर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, because जो birds जहाँ से आते हैं वहाँ की climatic condition उनके body के according नहीं होती, that's why they migrates themselves from that places to the other places। ओके, बट जैसे ही वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ उनके बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो जाती है, तो वैसे ही फिर क्या करते हैं, ये वापस लौट जाते हैं। ओके, तो दे ट्रेवल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एवरी ईयर्स। ओके, टू माइग्रेट देमसेल्व्स। ओके, तो माइग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, ये थाउजेंड किलोमीटर्स पर ईयर्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ओके, तो हाउ माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल्स टू द सेम प्लेसेस। ठीक है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स कैसे, आखिर कैसे सेम प्लेसेस को ट्रेवल करते हैं एवरी ईयर। ओके, तो देखिए देर आर फोर स्टेप्स बाय विच अ माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल्स सेम ट्रेवल्स द सेम डायरेक्शन सेम प्लेसेस एवरी ईयर। ओके, फर्स्ट वन इज सेंस ऑफ डायरेक्शन, दे हैव गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके, दे हैव गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन विच हेल्प देम टू ट्रेवल सेम प्लेसेस एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट है यूजेस लैंडमार्क्स, दे यूजेस लैंडमार्क, लैंडमार्क्स को ये यूज करते हैं, यानी कि एक पहचान ये क्या ढूंढ लेते हैं, जिस डायरेक्शन से आते हैं उस डायरेक्शन से एक पहचान ढूंढ लेते हैं, और वहीं से वहीं पे आकर उस पहचान के थ्रू क्या करते हैं, वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं सेम डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ सन एंड स्टार, पोजिशन ऑफ सन एंड स्टार से इन्हें पता चल जाता है कि हमें कितनी दूरी और चलनी है, कितनी दूरी नहीं चलनी है, और पोजीशन ऑफ सन एंड स्टार से वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द अर्थ यूज करने से क्या होता है, इन्हें प्रॉपर डायरेक्शन पता चल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। तो देर आर फोर स्टेप्स, ओके, बाय विच अ माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेसेस एवरी ईयर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट माइग्रेशंस, कोई बहुत लंबी चौड़ी टॉपिक नहीं थी माइग्रेशंस, ठीक है।
माइग्रेशंस के बारे में बहुत कुछ जानना है हमें, बहुत कुछ, बट इन सीनियर क्लासेस, आपके क्लासेस में बस इतना ही दूर तक जानना है हमें। ओके, माइग्रेशंस क्यों होता है, फॉर एग्जांपल में आप लोग क्या ले सकते हैं, क्रेन। ओके, क्रेन बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया कम इंडिया एवरी ईयर्स। ओके, दे जनरली फाउंड इन हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन इंडिया। ओके, दे माइग्रेट देमसेल्फ from Siberia to India. Okay. So, crane क्या होगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। A part of birds, ठीक है, A part of birds, many fishes. Okay. यहाँ पे क्या लिखोगे, A part of bird. फिशेस, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट्स। ठीक है, तो सिर्फ बर्ड्स ही नहीं बल्कि मछलियां, ठीक है, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े और बटरफ्लाइज भी अपने आप को माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो आप बर्ड्स के अलावा आप इनका भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल आर द आल्सो एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन। ओके, सो आई होप कि आपको ये माइग्रेशन समझ में आ गई होगी। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट adaptations in rainforest animals. Okay, adaptations in those animals who lives in tropical rainforest. Okay, so please note down. Thank you.